Hey guys, welcome you to a brand new video of my new adventure travel series. And guess where I'm going? Yes, finally we are going to Ladakh. आज 25th जून है और ऋषिकेश से अपना जर्नी स्टार्ट हो रहा है. अभी टाइम है 7 AM इन द मॉर्निंग. एकदम बारिश वाला मौसम है, बारिश भी हो रही है, तो एकदम प्रिपेयर होके यहाँ से निकलना है. आज का डेस्टिनेशन है सुंदरनगर, जो कि ऋषिकेश से 354 किलोमीटर की दूरी पे है. और एक्सपेक्टेड टाइम हमें लगेगा ऑन रोड 8 hours and 30 minutes. तो देखते हैं इस बारिश के मौसम में हम कितने टाइम तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडेज जर्नी. तो शुरू करते हैं आज का जर्नी. बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है ये सीरीज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो लेट्स गो. सो हेयर आई एम फुल रेडी, रेनकोट पहन के जूबा लग रही हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते. अब जस्ट क्लाउड देखिए और बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसे ही निकलना होगा. चलते हैं, शुरू करते हैं आज का जर्नी ऋषिकेश से. इसी चेक पोस्ट से हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर रहे हैं. ऋषिकेश इज इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट, तो वी आर एंटरिंग इनटू हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट. Choose Badrabad Bhagwanpur Road and skip Roorkee to reach Saharanpur bypass, because in that way we can save time and distance. But itne barish mein it wouldn't be possible without my iWatch to track the exact route map,
and reach there. My watch literally saved us that day. If you ask me which map is better, Google Map or iMap, then I will say both maps are good and reliable. But with my personal experience, I can say in mountains, iMap is more particular to tell the roadblock situations in real time and chooses the most reliable alternative route for you. Now I am in Saharanpur bypass road. It's raining heavily और उसके अंदर से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं. आगे ये bypass रास्ता पकड़ के हम लोग सरसावा सिटी तक पहुँचेंगे. यहाँ से यमुनानगर जाएंगे. तो यहाँ तक का रास्ता बहुत ही नाइस टर्न वाला था. वहाँ से रास्ता काफ़ी ईजी है, पर यहाँ तक पहुँचना सच में बहुत मुश्किल था. और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा. आप देखिए, मैं दिखा देती हूँ. तो यहाँ से हम लोग सरसावा पहुँचेंगे और यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. हमें ज़्यादा टाइम हरिद्वार से निकलने को लग गया है क्योंकि बहुत जैम था वहाँ पे. तो चलते हैं आगे की तरफ. This was the first toll we crossed that day, but हमें कोई टोल नहीं देना पड़ा because expressway के अलावा कहीं पे भी टू व्हीलर का कोई टोल चार्जेस नहीं लगता है. बाईपास रोड पे ये केदारनाथ ढाबा में हम लोग रुके थे ब्रंच करने के लिए, पर लंच करने के लिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ पराठे मिले. मतलब ब्रेकफास्ट का जो आइटम्स हैं वही मिले. यहाँ पे 12 बजे से पहले लंच का कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं होता. तो हमने एक आलू पराठा, एक पनीर पराठा, एक बटर मिल्क और एक लस्सी ली थी. तो उसका जो बिलिंग आया है दैट इज़ 380 रुपीज़. बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रहा है और हम अभी यहाँ से निकलेंगे. अभी टाइम है 11:25. लगभग 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे. तो अभी यहाँ से निकलेंगे और यमुनानगर की तरफ चलेंगे. वहाँ से हम लोग चंडीगढ़ की तरफ निकलेंगे. सुबह 7:30 बजे हम लोग ऋषिकेश से निकले थे और 11 को हमने ये सहारनपुर ये ढाबा तक पहुंचा है. बीच में एक घंटा हमें बस हरिद्वार क्रॉस करने में लग गया क्योंकि वहाँ पे इतनी जैम थी. और से बारिश की वजह से आप ज़्यादा जल्दी चल भी नहीं पा रहे हो. तो आई डोंट नो बारिश बंद भी होगी या नहीं. कल भी बारिश हो रहा था बट आफ्टर 1 PM बारिश नहीं हुई थी. एकदम साफ वेदर हो गया था. पता नहीं आज का क्या होगा. सेकेंड हाफ पे थोड़ा वेदर बेटर होना चाहिए. तो चलते हैं आगे की जर्नी पे. लेट्स गो. सुबह 7:30 बजे हमने हमारा जर्नी ऋषिकेश से स्टार्ट किया था और मौसम इतनी ख़राब था कि वो आप देख ही चुके होंगे. बहुत ख़राब मिले. जब तक हम लोग यूपी तक थे ना,
इतने ख़राब मौसम मिले, नॉन स्टॉप बारिश हो रहा था, एकदम ज़ोर से बारिश, मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत बारिश, कंटिन्यूसली कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग हो रहे थे जिसको बोलते हैं ना, तो उसके अंदर से ही हम लोग चलते रहे नॉन स्टॉप। फिर जब से हमने हरियाणा को एंटर किया है ना, तब से ऐसे क्लाउडी वेदर है पर बारिश नहीं हो रही है। अभी अंबाला में हम लोग रुके हैं, एक्चुअली ये अंबाला भी नहीं है, ये अंबाला कैंटोनमेंट है। यहाँ से अंबाला सिटी की डिस्टेंस होगी लगभग 10 किलोमीटर। वहाँ से हम लोगों को किरतपुर जो पंजाब में है वहाँ पे एंटर करना है। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं तो चलते हैं। तो यहाँ से रास्ता डिवाइड होता है, पटियाला लुधियाना वाला रास्ता हम नहीं ले रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला वाला रास्ता ले रहे हैं। यहाँ से हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये अभी भी हम लोग हरियाणा के अंदर हैं और यहाँ पे लीटर है 98 रुपीज़ एंड 73 पैसा। पेट्रोल पंप से हम लोग निकल चुके हैं, पेट्रोल पंप पे हमारा बिल हुआ है 1370 रुपये। अभी आवर डेस्टिनेशन इज़ मंडी। इस रास्ते के ऊपर बहुत कुछ बिकते हुए दिख रहे हैं, एक तो बड़े बड़े सा स्टैचू मिल रहे हैं, आई थिंक वो सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं। दो मैंने देखा बहुत सारे ट्रैक्टर रास्ते के ऊपर रखे, प्रोबेबली वो भी बिक रहे होंगे। देखिए सारे ना खिलौने ट्रैक्टर्स बिक रहे हैं ऐसे, मतलब ट्रैक्टर के लिए क्रेजीनेस सिर्फ बड़ों के अंदर ही नहीं है, छोटे के अंदर भी बहुत है, इसीलिए खिलौने ट्रैक्टर बहुत मिल रहे हैं। चलते हैं ये ढाबा में चाय पीते हैं। हाइकर्स और भी आए हैं। ये ढाबा देखने में खूबसूरत है, यहाँ पे चाट्स भी मिल रहे हैं। इस ढाबे पे हमें चाय तो नहीं मिली पर ये पापड़ी चाट लाए हैं और एक कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर बोतल लाए हैं। यहाँ से टोटल जो बिल है वो है 130 रुपीज़। तो टेस्ट करते हैं ये कैसा है, फिर हमें फिर से मंडी की तरफ रवाना होना है। अच्छा है। तो हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से रूपनगर तक लगभग 40 किलोमीटर एकदम सीधा रास्ता है। तो उसके बाद हमें मैप देखना होगा कि किस तरफ से जाना होगा, तो तब तक बस सीधे रास्ते में मज़े से चलते हैं। और एक बात, इस ढाबे की ना पापड़ी चाट बहुत अच्छा था, मैंने बहुत दिन बाद बहुत अच्छा एक पापड़ी चाट खाया, इट वॉज रियली गुड। अब हम लोग रूपनगर की तरफ चल रहे हैं, 17 किलोमीटर है यहाँ से रूपनगर जो दिखा रहा है बोर्ड में। बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, देखिए यहाँ पे टोल प्लाजा है, दिस इज़ आवर 4th टोल प्लाजा, और यहाँ पे भी बाइक का कोई भी टोल नहीं कटता है, तो हम लोग ऐसे बाईपास से निकल जा रहे हैं। और अगर 4-व्हीलर से आप आते हो तो आपको यहाँ पे टोल देना होगा। सर जाने वाला रास्ता यहाँ से कटता है और ये वाला रास्ता रूपनगर जाएगा, फिर मनाली होके निकल जाएगा।
यहाँ पे ये लोग ग्लूकोंडी वाला पानी पिला रहे हैं, शायद इनका कोई फेस्टिवल है। तो ग्लूकोंडी वाला पानी नहीं, जुआ अफ्जा वाला पानी देवांजन ने पिया और उसने बताया कि बुरांस का जूस पिलाया। मैंने बोला, मैंने तो देखा सफ़ेद कलर का, इसका मतलब है कि उन्होंने जुआ अफ्जा पिलाया है, पता नहीं उनका कोई त्यौहार होगा इसके लिए। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि लोगों को ऐसे मदद कर रहे हैं जो लोग रास्ते से जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी, राइट? आप लोग को हेल्प कर रहे हो, लोगों को पानी पिला रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और मैंने डिसाइड किया है कि जो लद्दाख सीरीज़ है ना, इसको डे वाइज एपिसोड में डिवाइड करूँगी। मतलब हर दिन की जो जर्नी है ना, उसको एक एपिसोड की तरह प्रेजेंट करूँगी, ताकि आसानी हो आपको समझने में कि जो हमारा जर्नी था वो कैसा था, एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। हमारी जर्नी को देख के आपका थोड़ा आइडिया भी आ सकता है कि आप भी ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो इसी वजह से डे वाइज इसको एपिसोड में डिवाइड करूँगी। तो आज का जो मेरा जर्नी होगा वो होगा ऋषिकेश टू मेरा लास्ट ऑफिस, मे बी दैट विल बी मंडी। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हो, चाहे छोटा सा भी, देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। एंटर्ड इन टू किरतपुर साहिब और यहाँ पे देखिए मिट्टी के कितने बड़े बड़े ऐसे ढीवी बने हुए हैं ना। किरतपुर में एक गुरुद्वारा है जो किरतपुर साहिब के नाम पे बहुत फेमस है, आप चाहो तो वो भी विजिट कर सकते हैं। द रोड कंडीशंस आर प्रिटी गुड। आज लगभग 9 घंटे हो गए हैं हमें ड्राइव करते हुए। 99% जगह पे रास्ते हमें बहुत अच्छे मिले हैं, कोई इशू आने ही नहीं वाले हैं आपको। ऋषिकेश हो और दिल्ली हो, आप जहाँ से भी आ रहे हो, वहाँ से मनाली पहुँचने के लिए मनाली तक रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ऋषिकेश से आ रही हूँ, वहाँ पे मेरे रूम से पहाड़ दिखता है, पर इतने टाइम से जर्नी करने के बाद आज के दिन पहली बार हमें पहाड़ दिखे हैं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सामने देखिए पहाड़ के। मनाली अभी बहुत क्राउडेड है और वहाँ पे स्टेइंग ऑप्शंस भी बहुत कॉस्टली है, इसीलिए इंटेंशनली हमने प्लान किया है कि मनाली में हम लोग रहेंगे नहीं। आज हम लोग मंडी में रहेंगे और कल मंडी टू जिस्पा जाएंगे। जो मिट्टी के पहाड़ में दिखा रही थी ना, वो नज़दीक से देखिए। दिस इज़ द 5th टोल आज के दिन का, जो हम बिना पे किए ही जा रहे हैं आगे की तरफ। ये टनल वाला रूट अभी भी ट्रायल पे है, तो सबके लिए अभी भी खुला नहीं है। बाइक को जाने दे रहे हैं बस मनाली की तरफ, और उधर से शायद फोर व्हीलर को भी आने दे रहे हैं। अभी देख सकते हो कि इसका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, काम चल रहा है, ऑन गोइंग है, इसीलिए सिर्फ बाइक को ही जाने दे रहे हैं। देखिए कितनी लंबी ये टनल है और ये इतना रास्ता शॉर्टकट भी बना देता है। यहाँ से मंडी बस 75 किलोमीटर है। देखिए कैसे पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है, यहाँ पे तो धस भी चुका है यहाँ से। और सामने और एक टनल है, टनल नंबर 2। दिस इज़ सुतलेज रिवर और ये शिवालिक रेंज है हिमालय की, और यहाँ पे सुतलेज शिवालिक को काट के ऐसे क्रॉस कर रही है। दिस इज़ गोविंद सागर, जो कि
सुतलेज रिवर का वाटर रिजर्वर है और इसके बारे में हमने जियोग्राफी में तो सबने पढ़ा है, पर यहाँ से ये इतनी खूबसूरत लग रही है। आज के दिन का बेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ से। इट्स ब्यूटिफुल। यहाँ पे सुतलेज रिवर को हम लोग क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ब्रिज है एंड सुतलेज कितनी ब्रॉड है यहाँ पे। और देखिए कंटिन्यूअस बारिश हो रही है पहाड़ में, इसीलिए सुतलेज का कलर कैसा है। और हम लोगों ने स्पीटी में सुतलेज को देखा था एकदम टर्कोइश ब्लू कलर में। दिस इज टनल नंबर 3 जो मेरे सामने है। यहाँ से मनाली 170 किलोमीटर है बस। शिमला वाला रास्ता इस तरफ को चला गया और मनाली वाला रास्ता इस तरफ को है, तो ये नए वाले रास्ते से भी आप शिमला और मनाली की तरफ जा सकते हो। This is tunnel number 5 और ये भी अभी भी under construction ही है। And this is the end of tunnel 5। मानसून स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए रास्ते की हालत कैसे हो गया है। ये हम सुंदरनगर में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से सुंदरनगर स्टार्ट हुआ और यहाँ से मांडी है 15 किलोमीटर, मतलब हमें और भी 15 किलोमीटर आगे जाना है और वहीं पे हमारा स्टे होगा। टाइम इज 6:41। वैसे सनसेट तो 7:30 को होना चाहिए पर क्लाउडी वेदर है इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा होने लगा है। ये एक होटल को हमने चूज़ किया है, पता नहीं वो अवेलेबल है भी या नहीं, ऑनलाइन बुक हमने नहीं किया, वहाँ पे जाके ही पता करेंगे। होटल अभिलाषा इन। तो चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है लगभग। सुंदरनगर एक बहुत ही बड़ा सा सिटी है और यहाँ पे क्या नहीं मिलता, बहुत सारी इटरीज़ है, बहुत सारे सुंदर सुंदर होटल्स हैं और सारे ब्रांडेड दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे बेकरीज़ है। तो ये रहने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये जगह भी बहुत अच्छा है। हमारा इनिशियल प्लान तो यहीं तक रहने का था पर थोड़ा हम और आगे तक जाना चाहते हैं और मंडी तक ही रुकना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आगे की तरफ चल रहे हैं ताकि कल सुबह हमें जिस्पा तक जाने के लिए थोड़ा आसानी हो। यहाँ पे हमारा डिनर भी आ चुका है, सैलड, राइस, चिकन एंड दिस इज पनीर सीजलर, चाइनीज सीजलर सब कुछ मिला के। ये होटल का जो रूम टूर है मैं ये सुबह अपलोड करूँगी, वी आर टू टायर्ड टू डू दैट। तो फटाफट डिनर कंप्लीट करता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंडी। तो कल रात को हमने यहाँ पे चेक इन किया था और आज सुबह भी 10 बजे हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं। तो मैं जल्दी से इसका एक रूम टूर भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द रूम और यहाँ पे थोड़ा सा है
छोटा सा ही रूम है एंड दिस इज वॉशरूम। इस रूम का टैरिफ है 3000 रुपीज़। क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, तो रात का डिनर मिला के यहाँ पे बिल हुआ है 3900 रुपीज़। तो कल का जो भी खर्चा हमें हुआ है उसका मैं ब्रेकअप स्क्रीन में डाल दूँगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि फर्स्ट दिन का हमारा कितना खर्चा आया है। तो निकलते हैं यहाँ से। आज का डेस्टिनेशन है जिस्पा, जो कि 210 किलोमीटर दूरी पे है। तो मिलते हैं रोड पे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फर्स्ट डे का ब्लॉग। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड स्टे सेफ।